यदि अब राम मंदिर नहीं बना तो ये तीन संगठन के सहित बीजेपी सरकार का सर्वनाश तय है। अयोध्या के लोग तो इन सब आंदोलनों से ऊब चुके हैं, तो कोर्ट फैसला करेगा तब वो कारीगर बढ़ जाएंगे। जय श्री राम मंदिर का जो खंबा लगेगा 232 खंबे के द्वारा नया श्री राम मंदिर का निर्माण होगा। वो सारे खंबे यहाँ रेडी करके रखे गए हैं। संकल्प को लिया कि बच्चा बच्चा राम का, श्री राम जन्मभूमि के नया श्री राम जन्मभूमि भी दर्शन किए जाएंगे। रामलला कपड़े के टेंट के अंदर में बैठे हुए हैं। ये अयोध्या का राम मंदिर निर्माण कार्यशाला है। यहाँ पर पिछले 25 सालों से भी ज़्यादा वक्त से मंदिर निर्माण के लिए पत्थर तराशे जा रहे हैं। अयोध्या में राम जन्मभूमि के दर्शन के लिए जो कोई भी आता है वो इस कार्यशाला में जरूर आता है। पहले यहाँ पे 60 से 70 कारीगर काम करते थे, अब सिर्फ एक यही बचे हुए हैं। हालांकि यहाँ आने वालों को इन्हें देखकर यह तसल्ली जरूर होती है कि चलिए राम मंदिर निर्माण के लिए कुछ तो हो ही रहा है। हम आए थे तब तो 50 लोग कर रहे थे, उसके बाद कम हो थे कारीगर। जितने आदमी आते हैं वो वही कहते हैं कि भाई कब मंदिर बनेगा, कब मंदिर बनेगा। अब तो सरकार भी सब जगह है उन्हीं भाजपा की, लेकिन फिर भी नहीं बन रहा है। डब्बे में श्री राम मंदिर का मॉडल है, आने के समय में इसी मॉडल को देख करके सारे पत्थर रेडी किए जाते हैं। बस आदेश आने पर तुरंत राम जन्मभूमि का नया निर्माण हो जाएगा। अभी आदेश आएगा बहुत जल्दी। नए लोग आते हैं वो तो यही देखते हैं कि राम मंदिर का यहाँ पत्थर रेडी करके गया, वहाँ रामलला का कपड़े का मंदिर बना हुआ। जो लोग दोबारा फिर वही दर्शन करने के लिए आते हैं तो उनको हम यहाँ बताते हैं कि यहाँ राम का मंदिर का ये कार्यशाला, तो यात्री यही प्रश्न करता है, बार बार यही पत्थर दिखाते हैं। रामलला का मंदिर कहाँ बनेगा, कब बनेगा, ये तो वही बताते हैं कि खाली ये कार्यशाला है, पत्थर बना, वहाँ कपड़े का मंदिर बना हुआ, मंदिर कब बनेगा ये लोग चाहते हैं। राम मंदिर का मुद्दा सरकार बनाने और गिराने में इतनी अहमियत क्यों रखता है, इस बात का अंदाज़ा आप इससे भी लगा सकते हैं कि मंदिर निर्माण के लिए लाए गए ये पत्थर भी आज लोगों के लिए आस्था का केंद्र बन गए हैं। श्रद्धा में इन पत्थरों पर कोई अपना नाम लिख रहा है तो कोई अपनी मनोकामनाएं। ये उनकी आस्था है, जो यात्री आते हैं उनकी आस्था होती है कि भाई हमारा नाम लिखे, हमारा पत्थर, हमारा लिखा हुआ पत्थर। वो उनके दिमाग में यही भावना होती है कि हमने लिखा है वो पत्थर वहाँ राम मंदिर में लगेगा। अयोध्या में वो लोग खुद नहीं प्रचार करते, वो ऐसा माहौल बना देते हैं कि विरोधी दल ही राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का मामला इतना गर्म करते हैं जिसका वो लाभ उन्हें मिल जाता है। ये इसमें ज़्यादातर तो राजनीतिक दलों के लोग जो हैं उनकी सक्रियता ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ी होने के कारण ये मुद्दा अपनी जगह स्थिर हो गया है एक तरह से, और नित्य नई नई चीज़ें इसमें पैदा की जा रही हैं। अयोध्या में कोई बवाल नहीं होगा, बाहर चाहे जो हो, लेकिन अयोध्या में कोई बवाल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अयोध्या के मुसलमान सही हैं, अयोध्या के हिंदू सही हैं। जब बाहर से लोग आते हैं तभी दंगा होता है, इसके पहले कुछ नहीं होता है। मंदिर को लेकर के लोग इनको भारी बहुमत से भी अधिक बहुमतों से इनको जिताया गया, इसके बाद भी ये कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि लोगों में जो होड़ सी लग गई है, पहले अभी तक राम मंदिर मुद्दा सोया था, कोई नहीं चर्चा कर रहा था, न शिवसेना चर्चा कर रही थी, न तोगड़िया जी चर्चा कर रहे थे। मोहन भागवत एक दो बार जो है दबी आवाज़ में बोले तो उनके बाद कोई स्टेटमेंट, कोई तवज्जो नहीं दिया गया। सब कोई जब चुनाव नज़दीक होता है तो अपने अपने ढंग से अयोध्या को प्रयोग करते रहते हैं। अब विश्व हिंदू परिषद वाले यही छपवाते घूमते हैं कि इतना ट्रक पत्थर आ गया। अयोध्या के लोग तो इन सब आंदोलनों से ऊब चुके हैं, सच्चाई जानते हैं। मंदिर बनना है, मस्जिद बनना है, बचपन से देखते आ रहे हैं हम लोग, पर कुछ खास उस पर मुद्दा उठता जाता है तो कुछ समझ में नहीं आता कि होना है नहीं होना है। कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ये तीनों मिलकर के इतना प्रचार किए गांव-गांव में, जन-जन में, कि यदि बीजेपी सरकार पूर्ण बहुमत में आती है तो राम मंदिर बन जाएगा। आज मेयर से राष्ट्रपति तक बीजेपी के यदि अब राम मंदिर नहीं बना तो ये तीन संगठन के सहित बीजेपी सरकार का सर्वनाश तय है।